नमस्कार, आप हैं खबरदार न्यूज के साथ और मैं उमेश। रीवा में लुटेरों का बढ़ रहा आतंक, फिर हुई लाखों की लूट। रीवा में लुटेरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सिरमौर में हुई 5 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस अभी गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि रीवा के रतारा स्थित तिवारी होटल के पास बुधवार रात 10 बजे लुटेरों ने निजी कंपनी के कर्मचारी से चाकू की नोक में 3.25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत डायमंड फील्ड के कर्मचारी रतहरा निवासी संदीप पटेल नाम के युवक के साथ घटित हुई है। बताया जा रहा है, युवक रीवा बाजार सहित बैकुंठपुर कस्बे में वसूली कर घर वापस आ रहा था, तभी घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवक से लूट की। बताया जा रहा है, युवक रीवा बाजार सहित बैकुंठपुर कस्बे से वसूली कर घर वापस आ रहा था, तभी घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। धन्यवाद। प्रातःकालीन रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल रात्रि में लगभग 10 बजे वे दोपहरा से निकल रहे थे, तभी 3 मोटरसाइकिल सवार आए उनके पास और उनका पैसा छीन करके भाग गए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 2,75,000 रुपये था, जो वो अपराधी जो है उसे छीन कर भाग गए हैं। ये डायमंड पोल्ट्री फार्म में वसूली एजेंट का काम करते हैं और ये पैसा जयकृष्ण मेडिकल स्टोर में जिन पर वसूली होकर रखा जाता है, ये पैसा लेकर के घर जा रहे थे और इनको 3 बदमाश छीन के ले गए हैं। फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है धारा थाना कोतवाली में, धारा 3। लूट कहाँ हो गई? पैसा कहाँ से लाए? रानीगंज, कितना पैसा था? लाख। क्या नाम है आपका? संदीप। तो दोनों लोग, दो लोग थे, कहाँ से था? बाइक। और वो लोग कहाँ से? वो बाइक। कैसे घटना हुई? हम घर जा रहे थे, गाड़ी मोटर के अंदर जैसे गए तो पीछे से 3 लोग आए और हमारी गाड़ी फायर करा के हमारा बाइक चुराने लगे। फिर हमको सीधा में पैर रखना चाहते और बाइक सुनते वो कहे।